आज घर में रखे सामान से जो नाश्ता बनने वाला है उसे देखकर खाए बिना नहीं रह पाओगे। बच्चों का तो बहाना होता है, बड़ों को भी इस टाइप का चटपटा नाश्ता जरूर खाना होता है। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए कोई मोल्ड की भी जरूरत नहीं है, तो बस आप इसे अपने हाथों से ही बनाइए और इंजॉय कीजिए। इसके लिए मुझे उबले हुए 3 आलू चाहिए जो कि मीडियम साइज के हैं। इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो आलू है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको उबाल के थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दीजिए। और हाँ, गुठलियाँ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ग्रेट इसे बहुत अच्छे से कीजिए। मैंने तीनों आलू को इस तरीके से ग्रेट कर दिया। अब इसमें स्वाद अनुसार डाल रही हूँ नमक, इसमें 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। 4 चम्मच करीब चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा ना हो तो आरारोट या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमें जस्ट एक बाइंड करके एक डो बनाना है। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे एक साथ कर दीजिए। अब इसे रखते हैं एक तरफ, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, यहाँ मैं ले रही हूँ एक परात में 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसे पूरा ही मैदे से बना सकते हैं, पर आप इस तरीके से बनाएंगे तब भी ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको आपको छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इस नाश्ते को ख़राब कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी से भी कम लिया है मैदा। इन दोनों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आधे चम्मच से भी कम मैंने अजवाइन को क्रश करके इसमें डालना है। अजवाइन जो है इस नाश्ते को एक अच्छा टेस्ट देगी। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, जिसको हम मोयन कहते हैं, जिससे नाश्ता खस्ता बने। 2 से 2.5 टेबलस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि ना आपको ऐसे मल मल के इसकी मुट्ठी जितनी हो ऐसे बांध के देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी डालकर इसे डो फॉर्म में गूंथना है, लेकिन समोसे की तरह नहीं, आपको थोड़ा सॉफ्ट गूंथना है। पहले ये थोड़ा टाइट लग रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे सॉफ्ट बना लिया है। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे एक सा कर दिया है। 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे रही हूँ। और हाँ, मैं ये जरूर देखती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर देते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है। अब इस आटे को मैं 4 अलग अलग भागों में बांट रही हूँ। 1 लोई को ले लिया है, थोड़ा सा मैदा छिड़कते हुए इसे मैं बेल रही हूँ। आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि मेन चीज़ है आपको यहाँ पर देखना। कोई मोल्ड वगैरह मुझे नहीं चाहिए, बस नाश्ता थोड़ा डिफरेंट होता है तो सबका मन करता है उसे ट्राई करने का। इंग्रेडिएंट्स चाहे वही हो, लेकिन थोड़ा सा शेप अलग है। इसकी मोटाई आप देख लीजिए। इसी तरीके से मैं चारों लोइयों को बेल देती हूँ। अब यहाँ ले रही हूँ मैं सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल या क्लिंग रैप कुछ भी ले सकते हो, या नॉर्मल पन्नी भी ले सकते हो। उस पर आपको आटा लेना है, कौन सा, जो आलू वाला है, उसका आधा पार्ट ले लीजिए, थोड़ा सा मैदे में डिप कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा ऑयल लगाकर इसके ऊपर बेल लीजिए। चाहे तो ऊपर से आप सिल्वर फॉइल को पलट के बेलें, या फिर ऐसे भी बेल सकते हैं बेलन में थोड़ा सा ऑयल लगाकर। बस उसकी भी मोटाई उतनी रखिए जितनी हमने रोटी में रखी है। अब यहाँ पर आपको एक रोटी रखनी है, धीरे से पलट कर इस लाल वाली रोटी को इसके ऊपर छोड़ देना है, जो आलू की रोटी है। बहुत ही आसान है, इसे आप आराम से बना सकते हो। इसे थप थपा कर आप पूरी तरीके से चिपका दीजिए और ऊपर से एक रोटी रख दीजिए। अब इसे वापस से थप थपा के ऑलमोस्ट पैक कर लीजिए। थोड़ा सा मैदा छिड़क कर ऊपर नीचे आपको क्या करना होगा, इसे बेलना होगा। इसे बेल कर आप थोड़ा सा और पतला कर लीजिए, जिससे होगा ये आलू और ये गेहूं की रोटी पूरी अच्छे से चिपक जाएगी आपस में।
थोड़ा अनइक्वल साइड से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं आगे बताऊंगी कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर या तो स्केल या नाइफ लीजिए और इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को चौकोर कर दीजिए, जो साइड वाले पार्ट हैं उन्हें हटा दीजिए। ये भी वेस्ट नहीं जाएंगे, मैं बताऊंगी इसका आगे क्या करना है। अब बराबर साइज में आप इसे कट कर लीजिए। छोटा बड़ा भी होगा तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन सारे चौकोर पीसेस को अलग करते जाइए। एक पीस उठाइए, उसके दो कोने आप आपस में जोड़ दीजिए, बाकी के नीचे वाले बचे हुए दो कोने उन्हें भी जोड़ दीजिए। बहुत ही आराम से वो जुड़ जाते हैं, कोई पानी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको बोला था ना, आटा जो है हमें थोड़ा सॉफ्ट रखना है, उसको नीचे से ऐसे नोक बना देनी है, शंख स्टाइल में इसका शेप बन जाएगा। आप इसे शंख स्टाइल कह सकते हो, पत्ती स्टाइल कह सकते हो, बूट स्टाइल कह सकते हो, ये चॉइस आपकी है। इतना सुंदर ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने देखा, कोई मसाले तामझाम मैंने कुछ किया ही नहीं है, नॉर्मल मसाले, घर के मसाले हैं, क्योंकि ऊपर से हम चाहें तो चाट मसाला ये वो डाल सकते हैं, चटनियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हमें ऐसा नाश्ता रखना है जिसे बच्चे भी खा सकें, बड़े भी इंजॉय कर सकें। इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी बेलने जा रही हूँ और उसी रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला दूँगी और इसे भी बेल लूँगी एक तीसरी रोटी रखकर। इनके भी मैंने चौकोर पीस कट कर लिए हैं और इस आटे से हमारे ढेर सारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। मतलब घर के 4-6 मेंबर तो आराम से इसका एंजॉय कर सकते हैं। इनको भी हमें इसी तरीके से शेप देना है। अगर आपने इस तरीके से परफेक्ट शेप दे दिया तो कभी भी ये जाकर ऑयल में बिखरेगा नहीं, बहुत ही खस्ता, बहुत ही अमेजिंग ये नाश्ता बनेगा। और हाँ, ये आपने देखा ना, बिना मोल्ड के कितना बढ़िया इसमें डिज़ाइन आ जाता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जो भी खाएगा आपकी तारीफ करता ही चला जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब मुझे शुरू में डालना है तब बहुत ही ज़्यादा स्लो गैस नहीं होना चाहिए, अच्छे से ऑयल गर्म होना चाहिए और फिर आप मीडियम करके ये सारे स्नैक्स को आप डालते जाइए और एक टाइम में काफ़ी सारा स्नैक्स तैयार हो जाता है। बस पहला एक मिनट आपको चलाना नहीं है, जिससे उसका शेप ना बिगड़े और वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। आप देखेंगे आखिर तक बहुत ही बढ़िया सिकेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब गोल्डन कलर के हो जाएं तब आप सर्विंग डिश में डालते जाइए। वैसे तो आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, पर कई नाश्तों के साथ मैंने आपको चटनियाँ बनाना सिखाई हैं। बारिश का सीजन है, इस वक्त हमें प्याज कैरी की चटनी बहुत पसंद आती है, आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। टमेटो केचप के साथ भी अच्छी लगेगी और मीठी चटनी जो अक्सर हम बनाते हैं चाट के लिए, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरीके से बचा हुआ जो पार्ट है उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये भी गोल्डन कलर के हो गए, मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ जो लास्ट वाली पट्टियाँ, साइड वाली पट्टियाँ जो बची थी उसका मैंने क्या किया। ये देखिए, ये जो लास्ट वाली पट्टियाँ थी ना, उनके भी छोटे छोटे पीस बनाकर मैंने चौकोर कर लिए और जोड़ के मैंने इस तरीके से शेप दे दिया। बस थोड़े छोटे बने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बहुत अच्छे बनते हैं। तो आपको ये नाश्ता कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और हाँ, मुझे मोटिवेट भी करता है।